खबर ने सवेरे एक नजर हेडलाइंस पर। कुएं में मिला 22 साल की युवती का दफनावस्था में शवदेह के बाद तय क्या शुरू। पहले हरियाणा से लाते नकली नोट की गाजियाबाद में करते शॉपिंग, रंगे हाथ पुलिस ने दबोचा। निजी स्कूल लगा रहे अभिभावकों को चुना, 20 सौंपर में झांसे में लेकर थक लिए करोड़ रुपए। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार। झज्जर जिले के एक गांव की सीमा पर लगे खेतों में युवती का शव मिला। शव नग्न अवस्था में खेतों के कुएं से मिला है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि पास के एक गांव के खेतों में एक युवती का शव कुएं में पड़ा हुआ मिला। नई दिल्ली गाजियाबाद। दिल्ली NCR में नकली नोटों की खेप हरियाणा से आ रही है, ये खुलासा गाजियाबाद में हुआ है। गाजियाबाद में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा से नकली नोट दिल्ली NCR में लाते थे और यहाँ पर मार्केट में नकली नोटों से शॉपिंग किया करते। नई दिल्ली। देश भर में निजी स्कूल की चेन चलाने वाले स्कूल ने अपने ही छात्रों के परिजनों को ठग लिया। उन्हें बताया गया कि स्कूल की एक स्कीम है जिसमें रुपए लगाने पर छात्रों की फीस कम हो जाएगी। ज्यादा रुपए अगर परिजन लगाए तो उनके बच्चों की फीस माफ हो जाएगी। इस तरह से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी उन्होंने की। 14 लोगों की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर लिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। खबर देखने के लिए आज के लिए डाउनलोड करें हमारे।